हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं निशान भैया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5 का 5.3 लेक्चर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक गेज चार्ट बनाते हैं। कई लोग इसे प्रोनाउंसिएशन गॉज चार्ट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे गेज चार्ट भी कहते हैं। आप लोगों को याद होगा जैसे कि हमारे पास कई बार फिजिक्स के जो लैब है उसमें इस तरीके से हम लोग जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे, जैसे जिसमें आपको इस तरीके से हाफ सर्कल दिख रहा होता है और यहाँ पर कुछ है आपको इंडिकेटर पॉइंट दिख रहे होते हैं जिसमें एक वैल्यू होती है। जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ वैल्यू यहाँ पे दी होती है जिसको हम लोग इसे नापते हैं गेज मीटर की फॉर्मेट से। इसीलिए इस चार्ट को जो है गेज चार्ट कहा गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि गेज चार्ट होता क्या है, फिर हम लोग इसे पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर बनाकर देखते हैं। आप लोग मेरे स्क्रीन में जैसे देख रहे हैं विजुलाइजेशन के अंदर, ये जो सिंबॉल होता है ये गेज चार्ट का सिंबॉल होता है। इस सिंबल पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से जो फिगर है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू पुटअप की हुई है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो आपको जीरो एम दिख रही है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है। और बीच में आपको जो सेल्स की वैल्यू है 12.64 मिलियन की दिखा रही है वो ये वैल्यू है। मान के चलिए कि हमने यहाँ पर कोई एक KPI इंडिकेटर, यदि बिजनेस की भाषा में कहूं मैं तो KPI इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे सेल्स में किसी को यहाँ पे जो है टारगेट दिया हो, ठीक है, किसी को यहाँ पे टारगेट दिया हो कि आपको यहाँ पे चेस करना है, कौन सा टारगेट जो है यहाँ पे आपको चेस करना है। सो इस तरह से आपको गेज चार्ट यूज करना होता है जब आप एक रिपोर्ट बना रहे होते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे एक दिखाता हूँ, ये आपको दिखा रहा है। आज जब आप गेज चार्ट बनाना सीखेंगे तो हम लोग सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही वैल्यू को गेज चार्ट के अंदर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट जो हमारी ये सेल्स है इस पे यहाँ पर जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, जिससे कि यहाँ पे प्रॉफिट इंडिकेटर जो है एक्टिवेट दिखा रहा है, जो एक अलग कलर से यहाँ पर शो हो रहा है। उसी तरीके से हो सकता है कि मैं यहाँ पर कोई एक टारगेट दे दूं, ठीक है, जिससे कि उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे टारगेट को अचीव करना हो, तो ये एक गेज मीटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका जो गेज मीटर है इसके लिए आप किस तरीके से यूज करें। और अधिकतर हमारे बिजनेस में KPI इंडिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं उसके लिए गेज चार्ट जो है यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, इस गेज चार्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको डोनट चार्ट जो है हमारा, ये जो आपका डोनट चार्ट का सिंबॉल है, इसको भी बनाऊंगा। और यहाँ पर डोनट चार्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर स्लाइसेस भी बनाऊंगा जिससे कि आप इसे रिलेट कर पाओ कि कैसे आप और अच्छे तरीके से इसे यूज कर सकते हो। तो आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, जिसमें हम लोग यहाँ पर कैटेगरी की वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट एक डोनट चार्ट को और गेज चार्ट को एक साथ बनाकर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इससे पहले मेरा सजेशन है कि आपने प्रीवियस यूनिट नहीं देखी है तो इस यूनिट को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर गेज चार्ट में मैं क्लिक करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। गेज चार्ट जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एम्प्टी सेक्शन पे आपको वैल्यू की जगह पे जो है मैं सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा टारगेट वैल्यू जो है यहाँ पर जो है मैं प्रॉफिट पर जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो एक टारगेट वैल्यू पे दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिखे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है तो आपका जो सेल्स है, कंप्लीट जो सेल्स हुआ है उसमें आपको प्रॉफिट में यहाँ एक इंडिकेटर की तरह दिख रहा है। मतलब आपने यहाँ पे KPI इंडिकेटर जो है इसे जो है इसको समझ सकते हैं आप। मैं KPI इंडिकेटर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, कई बार बिजनेस में यूज किया जाता है KPI इंडिकेटर को। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डोनट चार्ट भी क्रिएट करता हूँ। मैंने डोनट चार्ट कैसे क्रिएट करना है आपको बता दिया है, मैंने यहाँ पे कैटेगरी और सेल्स की वैल्यू को पुटअप किया। तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सेल्स बाय कैटेगरी को, तो यहाँ पे जो आपकी जो आपका जो गेज चार्ट है उसकी वैल्यू भी चेंज होते जा रही है और हम लोग कंप्लीट सेल्स में कितना प्रॉफिट हुआ है उसे भी यहाँ पर इजिली देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट डेटा में से यहाँ पर रिपोर्ट में देख सकते हो या आपका एंड यूजर देख सकता है। इसके साथ ही साथ चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्लाइसेस को भी जो है यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ जिससे कि हम लोग और अच्छे तरीके से समझ सके। और लास्ट यूनिट भी हमारी स्लाइसेस की थी तो चलिए यहाँ पे स्लाइसर पे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी की जो वैल्यू है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी की जो वैल्यू है इसे मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सॉरी सब कैटेगरी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, इसको मुझे जो है ड्रॉप डाउन में करना होगा जिससे इसी तरीके से समझ पाऊं। अब जो कैटेगरी है उसके अंदर ही सब कैटेगरी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज जो है उसके अंदर एनवेलप जो है उसकी जो कैटेगरी सब कैटेगरी उसको मैंने क्लिक किया। तो आप यहाँ पर कैटेगरी और सब कैटेगरी को भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोग को ये समझ आ रहा होगा मैंने कैटेगरी नहीं मैंने सब कैटेगरी ली हुई है,
अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर सब कैटेगरी डालता हूँ, मतलब डोनट चार्ट में मैं सब कैटेगरी डालता हूँ और यहाँ पर मैं कैटेगरी की वैल्यू पुट अप करता हूँ, मतलब मैं सब वाइस वर्सा करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब क्या होगा कि अब मैं कैटेगरी की वैल्यू यहाँ पे लूंगा और सब कैटेगरी की वैल्यू जो है डोनट चार्ट में दिख रही होगी आपको यहाँ पे, चेयर, बुक केस, टेबल और फर्निशेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पुट अप करना आपके लिए इजी होगा। इसीलिए इस जगह में मैं आपको तीन चार्ट अलग अलग तरीके से बनाकर दिखाया हूँ, डोनट चार्ट, गेज चार्ट और स्लाइजर्स। तो आप इसे समझ पाए होंगे और धीरे धीरे हम लोग हमारी रिपोर्ट को बनाना भी सीख रहे हैं। तो आप एक के बाद एक सारे लेक्चर्स को देखते रहिए। यहाँ पर मैं मल्टीपल वैल्यू ले लेता हूँ तो मल्टीपल वैल्यू पे आपको पता चल जा रहा है कि आपका सेल्स और प्रॉफिट कितना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा 5.4।